नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अपने प्यार को पाने के लिए प्रेमी क्या कुछ नहीं करता, हदों से गुजर जाता है, आग के दरिया में भी कूद जाता है। आत्मा का प्रेम कब शारीरिक हो जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन इस प्रेम के चक्कर में इस शख्स की हालत ऐसी हो गई कि अगली बार कुछ करने से पहले खुदा जरूर याद आ जाएगा। जी हाँ, इस शख्स के साथ ऐसा हादसा हुआ कि जनाब अस्पताल पहुंच गए, परिजन भी सकते में आ गए कि वो करे तो क्या करे, किससे मदद मांगे और लोगों से क्या कहें। जी हाँ, अब जो मामला सामने आया उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल यहाँ एक लड़के का प्राइवेट पार्ट पार्टनर के साथ संबंध बनाते वक्त टूट गया। उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में एडमिट किया गया। द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित लड़के ने बताया कि जब मैंने देखा तो प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, उसकी सूजन आ गई थी, हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक एरेक्टिकल टिश्यू के साथ जुड़ी नस के डैमेज होने से लड़के का प्राइवेट पार्ट टूट जाता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे शरीर की कोई हड्डी टूट गई है। डॉक्टरों ने बताया कि पीड़ित का MRI स्कैन किया गया, जिससे पता चला है कि लड़के के प्राइवेट पार्ट में 3 सेंटीमीटर लंबी दरार है, जिसके बाद डॉक्टरों ने लड़के की सर्जरी करने का फैसला लिया। डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के 6 महीने बाद मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वह फिर से अपने पार्टनर के साथ संबंध बना पाएगा। डॉक्टरों ने बताया कि बीते 40 साल में उन्होंने पहला ऐसा केस देखा है कि लड़के के प्राइवेट पार्ट की सर्जरी सफल रही, वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा और फिर से अपने पार्टनर के पास चला जाएगा। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।